भारतीय नागरिक को टैक्स भरना जरूरी होता है। सरकार द्वारा हर साल टैक्स भरने वाले बहुत से लोगों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार भारत में सबसे ज्यादा टैक्स किसने भरा है? आज हम आपको बताएंगे कि किस भारतीय नेता, अभिनेता और खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा टैक्स भरा है और कितना भरा है। टैक्स। भारत सरकार हर साल देश भर में नागरिकों से टैक्स भरने की अपील करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार सबसे ज्यादा टैक्स किसने भरा है? बता दें कि अभिनेता शाहरुख खान भारत में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलिब्रिटी बन चुके हैं। उन्होंने 92 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है। दरअसल फॉर्च्यून इंडिया में बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलिब्रिटी की लिस्ट जारी की गई है। किंग खान के बाद इस लिस्ट में तमिल सुपरस्टार थालापति विजय हैं। उन्होंने 80 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है। इन टॉप 10 लोगों ने दिया है सबसे ज्यादा टैक्स। जी हाँ, बता दें कि तीसरे नंबर पर अभिनेता सलमान खान का नाम है। उन्होंने 75 करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया है। वहीं अमिताभ बच्चन 71 करोड़ का और विराट कोहली ने 66 करोड़ का टैक्स जमा किया है। इसके अलावा छठवें नंबर पर अभिनेता अजय देवगन है। उन्होंने 42 करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया है। अपने लकी नंबर 7 पर महेंद्र सिंह धोनी ने, उन्होंने 38 करोड़ का टैक्स जमा किया है। इसके बाद रणवीर कपूर ने 36 करोड़ का टैक्स जमा किया है। वहीं सचिन तेंदुलकर और ऋतिक रोशन ने भी 28 करोड़ का टैक्स जमा किया है। इसके बाद कॉमेडियन कपिल शर्मा ने 26 करोड़ का टैक्स जमा किया है। बता दें कि 2023 में शाहरुख खान ने नेटवर्थ में 1300 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ था। फोर्ब्स के मुताबिक साल 2022 में शाहरुख खान ने नेटवर्थ में 5116 करोड़ रुपए थी, जिसमें जवान और पठान की कामयाबी के बाद 8% की बढ़ोतरी हुई है। शाहरुख खान के फिल्म पठान ने 1050 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान ने यस राज प्रोडक्शन के साथ फिल्म पठान को 60% प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट का साइन किया था। इसके अलावा फिल्म के लिए उन्होंने 100 करोड़ का फीस चार्ज भी किया था। अब शाहरुख खान को नेटवर्थ में 6411 करोड़ रुपए हो चुकी है, जिसके साथ शाहरुख खान दुनिया के चौथे सबसे अमीर एक्टर बन चुके हैं। अब आगे बात करते हैं, अक्षय कुमार टॉप 20 से बाहर है। जी हाँ, फॉर्च्यून की लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम टॉप 20 में भी नहीं है। बता दें कि पिछले साल यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 में उन्होंने 25 करोड़ का टैक्स चुकाया था। 2023 में वो सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलेब बने थे। इसके लिए उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सम्मान पत्र भी दिया गया था। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।